खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। रामविलास पासवान के निधन पर उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका रहेगा। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देर रात घोषणा की कि रामविलास पासवान के निधन पर उनके सम्मान में आज दिल्ली, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में जहां हमेशा तिरंगा लहराता था, वहां 9 अक्टूबर को और उनके अंतिम संस्कार वाले दिन जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। तो रामविलास पासवान के निधन पर राजकीय शोक मनाया जा रहा है। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार शाम निधन हो गया। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का एक ऑपरेशन भी हुआ था। ये बात चिराग पासवान ने ही ट्वीट कर शेयर की थी। चिराग पासवान ने अपने उस ट्वीट में इस बात की भी जिक्र की थी कि आने वाले दिनों में उनके पिता का एक और ऑपरेशन किया जाना था। चिराग पासवान ने 4 अक्टूबर को अपने ट्वीट में लिखा था कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। अपने ट्वीट में चिराग पासवान ने अपने पिता की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें चिराग रामविलास की गोद में नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है, जिसमें चिराग पासवान रामविलास पासवान की गोद में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापा आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जहां भी रहूंगा आप मेरे साथ रहेंगे। मिस यू पापा। खगड़िया के एक दलित परिवार में हुआ जन्म। एमए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे रामविलास पासवान। यूपीएससी क्लियर किया और डीएसपी पद के लिए चयन हुआ। एसपी नेता राम संजीवन के संपर्क में आने के बाद रामविलास पासवान का राजनीति का सफर शुरू हुआ। 1969 में अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे रामविलास पासवान। लोकसभा चुनाव के सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था रामविलास पासवान ने। वहीं 9 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। साल 1981 में दलित सेना संगठन की स्थापना की थी उन्होंने और 1989 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान बनाया था। साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक काम किया, जिसके बाद साल 2002 में आरजेडी से बाहर निकल गए और यूपीए का रुख किया। साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और साल 2019 में चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया।
तो काफी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।